Co-powered by Techno. खतरा यहाँ नहीं कि महबूब अली ने बोला और ये भी कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं कि सपा ने अपने को अलग कर लिया, ये सब तो रस्मी चीजें हैं। खतरा ये है कि जब महबूब अली ये बोल रहे थे माइक से तो उन्मादी भीड़ इंशाअल्लाह का नारा लगा गुलजार कर रही थी। खतरा वहां है मौलाना साहब, सपा आज है कल नहीं रहेगी, भाजपा आज है कल नहीं रहेगी, कांग्रेस आज है कल नहीं रहेगी, है देश तो रहेगा ना। अशोक भाई कहने से नहीं काम चलेगा कि नहीं अफगानिस्तान और फलाना लेबनान, लेबनान से भारत का कुछ नहीं, नहीं नहीं, लेबनान वाले भी यही कहते थे हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती किसी से, क्या उनको बना दिया ना कबूतर लेबनान को। 75 साल में देश की स्थिति पर स्थिति ही बदल दी। ओपी सिंह जी आप लोग जाने की तैयारी करिए, महबूब अली ने घोषणा कर दी है कि आबादी इतनी बढ़ा दो, लेकिन अभी मान लो आबादी बढ़ेगी, अच्छा वो पहले बढ़े क्यों, अभी जो आबादी बढ़ेगी वो तो 27 में वोट डाल नहीं पाएगी, वो ये कह रहे हैं मतलब पहले से ही कार्यक्रम चालू है बढ़ाने का, आपको इस बात का एहसास है कुछ खतरा लग रहा है कि आप जाने वाले हैं? अफताब जी ये महबूब अली का जो बयान दिया है उस पर कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बयान नहीं दिया है, क्योंकि ये लोग जो है इस्लाम की जो सोच है वही समाजवादी पार्टी की सोच है, ये गजबे हिंद चाहते हैं, ये 800 साल पुराना ख्वाब देख रहे हैं कि 800 साल पहले जो भारत में था वो आबादी बढ़ा करके हम उसको कर लेंगे। ये अशोक यादव बार बार बोल रहे थे, 12:00 पर महबूब अली ने बयान दिया, अगर उनका व्यक्तिगत बयान है तो समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने अब तक खंडन नहीं किया, और अगर वो व्यक्तिगत बयान नहीं है तो ये जानबूझकर के बुलवाया जा रहा है। और जो बार बार पीडीए की बात करते हैं ना, ये पीडीए की ये बात जो नारा देते धोखा है, ये पीडीए कुछ नहीं है, इनकी सोच केवल जो है मुस्लिम सोच है, तुष्टिकरण सोच है, और उसी सोच के तहत बुलवाया जा रहा। पश्चिम में जो है महबूब अली बोल रहे हैं, पूरब में अफजाल अंसारी सांसद 3 दिन पहले कहा कि अगर एक गाड़ी गांजा कुंभ के मेले में साधु संतों को भेज दिया जाए तो कम पड़ जाएगा। अब बताइए कि कोई पहली बार हिंदुओं का अपमान हो रहा, आप कहते हो कि हम 20% हैं, तो 20% में आबादी बढ़ जाएगी तो इस देश में प्रदेश में न तो भाजपा की सरकार रहेगी न किसी की रहेगी, वहां गजवाए हिंद की सरकार रहेगी। और अगर 80% ने इसको सोच लिया तब क्या होगा, अगर वो भी ये बात कहे कि हम 80% है तो क्या होगा, आप देश का विकास चाहते हो विनाश चाहते हो? 2014 के बाद आज ये जो बोलने लायक हुए हैं, 2014 के बाद उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, इसके पहले कौन सा इनको लाभ मिलता था? केवल भड़काऊ बयान, इनको भड़काना, जहर उगलवाना, और ये सोची समझी रणनीति के तहत है। मैंने पहले ही कहा कि ये आश्चर्यजनक नहीं है, ये बात अब की नहीं है, इसके पहले भी देख लीजिए जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे तो क्या क्या बोले, इसके बाद इनके जो पश्चिम के सांसद हैं मुसलमान वो क्या बोले, ये जो वैसी भाई जान वो क्या बोल रहे हैं, ये भाषा ही बदल गई। और तो और अभी जो तकरीर हो रही है उसमें खुलेआम नारा लग रहा है, हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अल्लाह करना होगा, जो अल्लाह को नहीं मानेगा तन से धड़ जुदा होगा, मतलब किस तरह के बयान दे रहे, ये भारतवर्ष में क्या चाहते हैं? और ये समाजवादी पार्टी इसकी यही सोच है, ये एक योजनाबद्ध तरीके से कभी पूरब से कभी पश्चिम से कभी उत्तर, और किसी ने खंडन नहीं किया। अखिलेश यादव का ट्विटर बंद है भाई, 5 घंटे हो गया, अब ये अशोक यादव बोल रहे हैं ये जो है समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े राष्ट्रीय लीडर का बयान आया कि ये तो उनका निजी बयान है, ये इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं। ये तो तब भी कहते थे जब लगातार 1 साल तक जो है स्वामी प्रसाद मौर्य साधु संतों को गाली देते थे, रामचरितमानस पर भद्दी भद्दी बातें करते थे, उनकी प्रतियां तब भी कहते थे, डिंपल यादव बोलती थी नहीं हम भी राम को मानते हैं, ये स्वामी प्रसाद का मौर्य का निजी बयान है। कभी आपने इसको खंडन करते किसी समाजवादी पार्टी के नेता को देखा
और ये 2027 का समाजवादी पार्टी का प्लान यही है, न ईडीए न पीडीए, मुसलमान मुसलमानों को भड़काओ, मुसलमान उधर राहुल गांधी भड़का रहे हैं, इधर ये भड़का रहे हैं, सोच रहे हैं 2027 में इनकी आबादी। आप बताइए, सोचिए, भारत कहते हैं संविधान बचाओ देश बचाओ, देश ऐसे बचेगा? नारा लगा है संविधान बचाओ और बोल रहे हैं आपकी आबादी बढ़ गई, तो एक प्रकार से ये चेतावनी है, ये धमकी है, ये हिंदुओं के लिए भी धमकी है और भारतीय जनता पार्टी जिनकी योजनाओं का लाभ ले रहे हो, मकान भी ले रहे हो, आप अन्न भी खा रहे हो, आप उनसे आयुष्मान भी ले रहे हो, बिजली भी ले रहे हो, गैस भी ले रहे हो, सारी सुविधाएं भी ले रहे हो, और हम ही को आग दिखाते हो। ये भाजपा को नहीं बोला है, ये आप क्या समझ रहे हैं कि 27 में मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो भाजपा चली जाएगी? ये गलत बात है। भाजपा के जाने का तो ये हवा महल जो तुक्का मारे हैं 24 में, ये सोच रहे तुक्का बार बार लग जाएगा, हवा महल बार बार बन जाएगा। अरे भाई, एक बार ये सीधे सीधे हिंदुओं को चेतावनी है कि 80% वालों, लेबनान देख लो, बांग्लादेश देख लो, इंग्लैंड देख लो, अमेरिका देख लो, और जहां जहां हमारी शरीयत की कानून चल रही है, हमारी आबादी इतनी तेज बढ़ रही है कि भारत में भी हम इस्लाम लागू करेंगे, शरीयत का कानून लागू करेंगे और भारत पर हम 800 साल पुराने जो गजवाए हिंद था उसको फिर से लागू करेंगे। ये खतरनाक सोच है, ये भारत के लिए खतरनाक सोच है, ये भारत की राष्ट्रीयता के लिए खतरनाक सोच है। ठीक, ओपी सिंह जी, मौलाना साहब, जब मैंने कहा कि शरीयत का मसला, तो आपने कहा नहीं, वो बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ है। अंग्रेज भारत को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग के कंधे पर हाथ रख दिया, ठीक, जिन्ना के, और भारत बट गया, ठीक, पाकिस्तान बन गया। 200 साल बाद इंग्लैंड में धीरे धीरे पहुंचते रहे वो लोग, और जब अपनी संख्या ठीक हो गई तो उनने वहीं मुनादी डा कर दी। इंग्लैंड में, लंदन में जो प्रदर्शन होते हैं, उनकी मुख्य मांग मालूम है क्या होती है मौलाना साहब? क्या? शरिया चाहिए, शरिया से चलेंगे, अमरोहा शरिया नहीं लगेगी। लंदन तक में तो मांग हो रही, फ्रांस तक में तो आगजनी हो गई। किसके लिए आगजनी हुई? शरिया चाहिए। मनोज साहब, आप मुझे बताइए, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बताइए जहां पॉपुलेशन मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लाम मानने वाली हो, और वहां की व्यवस्था, वहां की शासन विधि लोकतंत्र से चल रही हो। जब तक मेजॉरिटी में नहीं, तभी तक लोकतंत्र है, और तभी तक पीडीए भी है, उसके बाद पी को भी भगाओ, डी को भी भगाओ। ये स्थिति नहीं है क्या? देखिए, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, और आप बहुत मशहूर और वरिष्ठ और दानिश्वर शख्सियत हैं, मगर मैं तकरीबन 7.5 महीने अमेरिका में रहा, हॉलैंड में रहा, इंग्लैंड में रहा, जर्मन में रहा, पाकिस्तान बांग्लादेश में रहा, और अरब कंट्रीज में रहा, और मैंने मिशन के आला हजरत मिशन सूफीज्म के हवाले से मैंने बड़ा काम किया है, और बड़ा मैंने दौरा किया है फॉरन कंट्रीज का और अंडर कंट्रीज का। तो मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदुइज्म से इस्लाम का कोई टकराव कभी पूरी तारीख में न रहा है, न आज है, कहीं भी। जहां जहां भी अगर टकराव है तो इस्लाम का टकराव ईसाइयों से और यहूदियों से और नसरानियों से, मॉर्मन्स ज्यूइश से है, मगर इस्लाम का टकराव कभी भी हिंदुस्तान के हिंदू हों या बाहर के हिंदू हों, कभी भी हिंदू से इस्लाम का टकराव न रहा और न कभी जंग हुई। पिछले तारीख में आपने पढ़ा होगा और आज जो हालात देख रहे हैं, कहीं कोई इस तरह की बात महबूब अली जैसे और आजम खान जैसे, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जैसे, अफजाल अंसारी जैसे लोग अगर कोई बात कहते हैं तो ये पॉलिटिकल लोग हैं। इनको, इन पॉलिटिकल लोगों की बातों को शरीयत के पस मंजर में न देखा जाए। ये लोग सियासी लोग हैं और अपनी पार्टी की तर्जमानी करते हैं, पार्टी के हितों की बात करते हैं। इनको कौम के हितों से कोई मतलब नहीं है, इनको कोई गर्ज नहीं है।
आजम खान मुर्गा बना देते हैं वहां पर जब इख्तदार में होते हैं, और शफीकुर्रहमान साहब चांटा मार देते हैं, और न जाने कौन क्या 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 लोग कर देते हैं जब इख्तदार में होते हैं, नशा होता है तो ये लोग जो है पूरा यतीम घर, यतीम खाना जिसको कहते हैं, पुराना शहर जिसको कोना शहर कहते हैं रामपुर में, उसको पूरा उजाड़ देते हैं सत्ता के नशे में। तो ये सियासी लोगों की बात मत करिए, सियासी लोग तो अपने मफाद के लिए कुछ भी कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। इन्हीं लोगों ने मुसलमानों को जज्बाती बना दिया, इन्हीं लोगों ने मुसलमानों के हर घर में नेता पैदा कर दिया, और इन्हीं लोगों ने हर घर में जो है वो झंडा उठाने के लिए, डंडा उठाने के लिए, पता नहीं किसको पदाधिकारी, सचिव, महासचिव, पता नहीं कितने पद जो है पैदा कर दिए। तो इन लोगों ने मुसलमानों को भड़काने के लिए और जज्बाती बनाने के लिए काम किया है, और ये लोग आज भी इस मुहिम पे काम कर रहे हैं। मगर ये महबूब अली साहब की बात जो है वो हेट स्पीच के दायरे में आती है। ऐसे ही बरेली में एक साध्वी रिजंजन जी आई थी, उन्होंने कहा कि हिंदुओं से मैं कहती हूँ वो 8-8, 12-12, 14-14 बच्चे पैदा करें, ये भी हेट स्पीच में आता है। स्वामी उन्नाव के मेंबर पार्लियामेंट, वो भी इसी तरीके से बात कानपुर के एक जलसे में कहते हैं, वो भी हेट स्पीच के दायरे में आता है। आजम खान तो अपनी सजा भुगत रहे हैं और वो सुधार घर में है, तो वो भी बहुत सारी बातें ऐसी कहते थे जो हेट स्पीच के दायरे में आता है। तो ये सियासी लोगों की बात मत करिए, ये तो बनाने के बजाय बिगाड़ने के काम करते हैं, जोड़ने के बजाय तोड़ने काम करते हैं, मोहब्बत के बजाय नफरत का काम करते हैं। ठीक है मौलाना साहब, मैं मेहतिमा के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले हम तो देखो भविष्य तो हम जानते नहीं, हम तो नजूमी है नहीं, हम इतिहास से ही वर्तमान को भविष्य को समझते हैं। मौलाना साहब बहुत अदब से कहूँगा, आप कहते हो सियासी लोगों की ना सुनो, मैं उससे नाइतफाकी रखते हुए कहता हूँ केवल सियासी लोगों की सुनो भैया। क्या हिंदुस्तान जब बटा था तो किसी मौलाना की सुनी गई थी? नहीं ना, जिन्ना की सुनी गई, वो सिगार पीते थे और सब तरह का गोश्त भी खाते थे, ये तो आपको पता ही है। सारे मौलाना उनकी शरण में गए कि नहीं गए? सारे मौलाना ने कहा कि नहीं जिन्ना ही सबसे बड़े अवतारी हैं मुसलमान के? कहा ना। जिन्ना को नबी किसने बनाया मौलाना साहब? जिन्ना को तो नबी बना दिया था आप मुसलमानों ने इस देश के। फिर आप कह रहे हो ना आजम की सुनो, ना अफजाल की सुनो, ना मुख्तार की सुनो, ना अतीक की सुनो, ना महबूब की सुनो, ना महबूबा की सुनो, अरे फिर किसकी सुने, किसकी सुने भैया? हम तो दूध के जले हैं, छाछ भी फूक फूक के पिएंगे ना। को पावर्ड बाय टेक्नो।